माय चैनल करंट पेट्स एंड फार्म। व्यूअर्स, मैं आज आपको बताऊंगा न्यू फिशेस कैसे ऐड करें अपने एक्वेरियम में। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, फिशेस लाते हैं और डायरेक्ट एक्वेरियम में डाल देते हैं, जिस कारण उनकी फिशेस मर जाती है एक दो दिन में। तो व्यूअर्स, मैं आज आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा न्यू फिशेस कैसे ऐड करते हैं अपने एक्वेरियम में। तो व्यूअर्स, मैंने ये गोल्ड फिश परचेस किया है, तो आप कोई भी शॉप से परचेस करेंगे तो आपको ऐसे प्लास्टिक में पैक करके देंगे वो शॉपकीपर। तो ये मैं दो गोल्ड फिश परचेस किया हूँ। अब आपको करना ये है कि आप अपने डायरेक्ट इन्हें खोलना नहीं है, डायरेक्ट आप इन्हें एक्वेरियम में डाल दीजिए। 15 से 20 मिनट आप इन्हें टेम्परेचर मेंटेन के लिए रख दीजिए। तो मैं दिखाता हूँ कैसे मैं इनके टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने ये प्लास्टिक बैग को एक्वेरियम में डाल दिया है। ये 10 से 15 मिनट बाद मैं मछली को रिलीज़ करूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट हो गया है, अब मैं इन्हें रिलीज़ करूँगा अपने एक्वेरियम में। आप हाथ से इन्हें ना पकड़ें, इससे फिशेस को प्रॉब्लम होती है, आप नेट से पकड़िए। तो व्यूअर्स, मैं इस प्लास्टिक बैग को खोल दिया हूँ, अब मैं नेट से मछली को पकड़ के डालूंगा। आपको ये प्लास्टिक बैग वाला पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं वो आपके एक्वेरियम में आ जाएंगे, इसलिए आप पहले नेट से इनको मछली को छान के आप उन्हें अपने एक्वेरियम में रिलीज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने फिश को नेट से पकड़ लिया है और मैं अब इन्हें रिलीज़ करूँगा। तो व्यूअर्स, मैं इन्हें रिलीज़ कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने अपने फिश को रिलीज़ कर दिया है। 4 एंजल बिग स्मॉल साइज लिया था, अब ये बड़े हो गए हैं, और आपके छोटे गोल्ड, ये मैंने दोनों अभी इनमें रिलीज़ किया है। 200 बैंकिंग है और 5 से 7 पीस ये छोटे वाले गोल्ड फिश हैं, ये काफ़ी अच्छे तरीके से रहते हैं। और व्यूअर्स, ऐसे ही आपको अपने न्यू फिशेस को ऐड करना है एक्वेरियम में, जैसे मैंने किया। आप वो प्लास्टिक बैग का पानी ना डालें, उसमें जो वायरस होता है वो आपके एक्वेरियम में आ जाएगा, जिससे आपकी सारी फिशेस एक्सपायर हो सकती है। फिश ऐड करते ही व्यूअर्स, आप अपने एक्वेरियम का लाइट ऑफ कर दें, उन्हें फीड ना दें। फीड आप 6 से 7 घंटे के बाद उन्हें फीड दें, और वो शुरू में हाइड होंगी, वो आपके एक्वेरियम में छिपेंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो न्यू फिशेज हैं इसलिए हाइड होती हैं। जब ये आपके एक्वेरियम में अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे, तब आप इन्हें 7 से 8 घंटे के बाद फीड दे सकते हैं।